भारतीय जनता पार्टी को सब जगह निर्णायक लीड मिलती नजर आ रही है और स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान वरिष्ठ नेता वरिष्ठ जानकार अमर सिंह जी। अमर सिंह जी, इन चुनावी नतीजों पर आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। ये माइक पे बोलना होगा सर जी। पहली प्रतिक्रिया ये है कि जात और पात पर जी और संप्रदाय पर जी बटा हुआ हमारा समाज, कम से कम नरेंद्र मोदी नाम के एक आदमी ने उसके अंदर हिंदुस्तानियत दे दी। अब बड़ व्यवस्था से इतर चुनाव का मुद्दा राष्ट्रवाद हो गया है जी। उत्तर प्रदेश में आपके भतीजे अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन किया और खुद मुलायम सिंह यादव के को मैनपुरी में वोट के लिए मायावती की जरूरत पड़ गई और वहां तो कुछ बहुत ज्यादा फायदा होता दिख नहीं रहा उत्तर प्रदेश में। ऐसा है कि इन लोगों ने सांप और नेवला ये आपस में कभी मिल नहीं सकते, और अगर मिलते हैं तो सोचना चाहिए क्यों मिल गए। और ये दोनों जरूर मिल गए, लेकिन दो दशकों तक इनके समर्थकों के बीच में जड़ पर जो हमले हुए और जो दुश्मनियाँ हुई, तो बड़े आदमियों की दुश्मनी तो वातानुकूलित कक्ष में तत्काल भोग योग से ठीक हो जाती है, लेकिन जमीनी कार्यकर्ता जिसको बुआ ने भी बबुआ ने भी बबुआ के पिता ने भी लड़ा लड़ा कर धारदार कर दिया, उसने अपने अपने मतों का स्थानांतरण अपने अपने घृणा को प्रेम में नहीं बदला। ये बात मैं पहले कहता था तो लोग मानते नहीं थे, और अब जब नतीजे आ गए हैं तो दिख गया कि बुआ और बबुआ भले मिल गए लेकिन बुआ और बबुआ के समर्थक नहीं मिले। और यहाँ तक कि यादों को यह बुरा लगा कि उनकी पुत्रवधू और अखिलेश सब चरण रज लेते रहे मायावती जी की, और मैनपुरी में मायावती जी का भतीजा उसने मुलायम सिंह को प्रणाम भी नहीं किया। चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह को मंच पर मायावती ने कहा जूता खोल और तब हमारे साथ बैठ। तो ये जो तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं ये उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी है। शहर में रहने वालों के लिए जूता पहन के जाएं, जूता खोल के जाएं, खाट के पर बैठें या जमीन पर बैठें, इन चीज़ों का बड़ा मूल्य है। हमारे यहाँ तो अभी भी ठाकुर कहते हैं कि जौन मने हमरे सामने खाटे पर ना बैठत रहल अब वो हमरे मूड़े पर बैठी। तो इस तरह से ऐसा पहली बार हुआ है कि जाति पात पर मजहब पर उससे उर्ध्व राजनीति जो है राष्ट्रवाद पर हुई है। और सबसे छोटा उदाहरण और सटीक देता हूँ, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच होता है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के जीत पर और पाकिस्तान के हार पर पटाखे चलते हैं, चाहे भाषा जो हो। तो अभी मोदी भारत के प्रतीक और मोदी विरोधी पाकिस्तान के समर्थक दिखाई देने लगे, और विशेष रूप से तब जब पुलवामा के हमले के बाद वो सर्जिकल स्ट्राइक पर हमारे जाबाज नौजवानों की शहादत पर प्रश्नवाचक चिन्ह शुरू किए। अमर सिंह जी, एक बात बताइए, लंबे समय तक आप समाजवादी पार्टी के नेता रहे और अब आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो मोदी विरोधी हैं वो पाकिस्तान सरीखे नजर आ रहे हैं, दिक्कत नहीं होती इस तरह के स्विच में, राजनीतिक शब्दावली के बदलाव में? नहीं, दिक्कत इसलिए नहीं होती है कि पुलवामा नहीं हुआ था। अच्छा, दिक्कत इसलिए नहीं होती है कि कभी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई थी। दिक्कत इसलिए नहीं होती है कि 9/11 के बाद हमने अरंडर उदन देखा है लेकिन हमने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं देखी। इसलिए जब एक परिवर्तन देखा और सकारात्मक परिवर्तन देखा, दिक्कत जब रामविलास पासवान को नहीं होती जी। जो ये कहते हैं कि हम वही पासवान हैं जिसने गुजरात के दंगे के बाद मंत्रिमंडल छोड़ दिया, अब अभी मोदी मोदी कर रहे हैं। दिक्कत स्मृति ईरानी को नहीं होती जो गुजरात के दंगे के बाद प्रदर्शन पर बैठी। तो हमने तो निरंतरता की राजनीति की है, समाजवादी पार्टी तब तक नहीं छोड़ा जब तक एक बार नहीं दो दो बार बड़े बयाबरू होकर उनके कूचे से निकाले नहीं गए।
चलिए, चूंकि आप तीन बड़ी घटनाओं के साक्षी रहे, समय कम है इसलिए मैं उन तीन बड़ी घटनाओं पर आपका वर्जन चाहूंगा जी। पहली घटना 1999 अप्रैल, सोनिया गांधी जाती हैं, कहती हैं आई हैव नंबर्स, मुलायम सिंह यादव एन मौके पर सपोर्ट करने से इनकार कर देते हैं। क्या हुआ था पर्दे के पीछे? क्या पहले नेताजी ने प्रॉमिस किया था और बाद में पीछे हट गए? प्रॉमिस नेताजी के ऊपर अंधे विश्वास के कारण सुरजीत ने किया था, हरकिशन सिंह सुरजीत ने, और विरोध नेताजी से ज़्यादा मैंने किया था, क्योंकि मैंने कहा था कि पार्टी हमारी है और हमें पूछा ही नहीं जा रहा, हमसे हम अनुरोध ही नहीं किया जा रहा और टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर के बिना हमसे पूछे बिना हमसे विचार विमर्श किए हमारे समर्थन की घोषणा कर दी गई, तो इसका समर्थन कैसे करें? उसमें मुलायम सिंह से ज़्यादा भूमिका मेरी रही। अच्छा, दूसरी घटना 2004 में आप यूपीए को समर्थन देते हैं, डिनर पार्टी में जाते हैं लेकिन आपके साथ सम्मान का सलूक नहीं होता, क्या हुआ था? डिनर पार्टी में किसके कहने पर गए थे, वहाँ डिनर पार्टी में क्या हुआ आपके साथ? सबसे बड़ी बात यह है कि उस डिनर पार्टी में मुलायम सिंह को ले जाया जा रहा था सुरजीत जी द्वारा, तो मैंने मुलायम सिंह जी से कहा कि मैं सोनिया जी का काम करने का तरीका जानता हूँ, उनका फ़ोन आता है और एक अच्छी चिट्ठी आती है कि आप आइए, न तो फ़ोन आया न तो उनका पत्र आया, और अगर आप गए और आपके साथ कुछ ऊपर नीचे हुई तो आप प्रथम व्यक्ति हैं दल के, तो कुछ बचता नहीं है। तो सुरजीत साहब दबाव दे रहे थे, नहीं हम वरिष्ठ हैं आप हमारे साथ चलिए, तो हमने कहा कि कंप्रोमाइज़ कैंडिडेट के रूप में मैं चलता हूँ। तो सुरजीत साहब के साथ उनकी गाड़ी में बैठ करके गया तो सुरजीत साहब का भी अपमान हुआ, 15 मिनट तक उनको बाहर स्टूल पर बैठना हुआ, उनके समर्थन से सरकार ने शपथ ग्रहण किया और उनका अपमान हुआ, हाँ स्टूल पर बैठना पड़ा। फिर 15 मिनट बाद किसी तरह से हम अंदर गए तो कुछ ऐसा वातावरण हुआ कि सुरजीत साहब निकल आए हमको लेकर और हमारी गाड़ी में ही बैठ करके बिना खाए चले आए। क्या हुआ, क्या भीतर लोग घूर रहे थे? उस समय घूरना अपराध नहीं था, आजकल तो अब घूरने पर भी जो है जी भले पुरुष महिला को घूरे लेकिन घूरने पर भी अब अपराध के कानून बन गए। लोग घूर रहे थे, ऐसे देख रहे थे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, तो विचित्रता थी। और सुरजीत साहब को ज़्यादा असहजता लगी क्योंकि सुरजीत साहब को अपने ऊपर बहुत आत्मविश्वास था कि हमारे कद काठी और हमारे समायोजन की वरीयता और रिश्तेता के कारण हम किसी को भी लेकर जाएंगे तो स्वीकृति हो जाएगी। तो समाजवादी पार्टी और वामपंथी दलों के बीच एक हल्का सा दुराव जी तब से शुरू हुआ, जो बाद में कलाम साहब के चुनाव तक आते आते कांग्रेस और वामपंथी नारायणन का समर्थन करना चाहते थे, हम लोग मुलायम सिंह जी समर्थन देने के बाद जी पलट गए और कलाम का समर्थन किए और इस कारण कलाम बने, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष दल में टूट का स्वागत प्रमोद महाजन और अटल जी ने किया और कलाम अच्छे राष्ट्रपति साबित हुए। कलाम का समर्थन इसलिए उन्होंने किया क्योंकि कलाम रक्षा मंत्री के रूप में मुलायम सिंह के राजनीतिक सलाहकार थे। एक पार्टी का अमर सिंह जी बड़ा जिक्र होता है जिसमें आप थे और आपके कांग्रेसी मित्र मणि शंकर अय्यर थे। एक अंग्रेजी अखबार में खबर छपती है कि आप लोगों के बीच पहले वर्बल बहस हुई फिर हाथापाई हो गई, सत्य है? हाँ बिल्कुल सत्य है, वो बहुत मद्यपान किए हुए थे, आधे घंटे तक मुझे लगातार गाली दे रहे थे। मैंने कहा आधे घंटे तक सुनूंगा उसके बाद पीटूंगा। अच्छा, आपने कह दिया था? कह दिया था, तो फिर आधे घंटे बाद वो फिर आए, कहा आधा घंटा हो गया पीटो। अब ये सतीश गुजराल जो आईके गुजराल के भाई थे उनका घर था, फिर हमने उनको पीटा, वो शराब पी हुए थे औंधे घिरे, मैंने उनके पिछवाड़े बड़ी लात लगाई, तो फिर लात वात खाने के बाद उन्होंने पूछा, आपने मणिशंकर अय्यर को लाते मारी पिछवाड़े, उसके बाद जब वो गिर गए उसके बाद उन्होंने कहा कि आप आधे घंटे तक क्यों सहते रहे? हमने कहा हम क्षत्रिय हैं, मानव हैं, भगवान नहीं, तो भगवान भी शिशुपाल की सौगाली के बाद चक्र चलाए। अच्छा, तो तुम्हारी हत्या कर नहीं सकते, 302 में जाने का साहस नहीं है, और तुम्हारा स्वागत है, बगल के थाने में बोलो कि तुम्हारा पिछवाड़ा सूझ गया है, तो उसके लिए 10-15 दिन हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो फिर उन्होंने कोई शिकायत नहीं की? नहीं, हमने कहा कि संभवतः मुलाकात हुई आपकी मणिशंकर अय्यर से? उसके बाद दूसरे दिन मुलाकात हुई,
तो हमने अपने समर्थन को कहा कि उसके पिछवाड़ों को सहला के देखो कि कहीं ज़्यादा सूझ गया हो तो सहानुभूति प्रकट करो। बाद में जब भी वो खड़े होते थे तो लोग कहते थे बैठ जाओ नहीं तो अमर सिंह आ जाएंगे। अच्छा, पर अमर सिंह चले गए सपा से, आपने कई मंचों पर जवाब दिया, चले नहीं गए या जाने को कह दिया? नहीं नहीं, चले नहीं गए, पहले पिता ने और बाद में पुत्र ने कायदे आजम मोहम्मद आजम खान के गुजारिश पर मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए मुझे पदच्युत किया। आजम खान को आपसे क्या समस्या थी? आजम खान को ये समस्या थी कि तुम नवरात्र का लंगर क्यों चलाते हो, तुम ज़्यादा गौशाला क्यों चलाते हो विंध्याचल में। मैंने कहा कि तुम समाजवादी पार्टी में हो लेकिन नमाजवादी हो, तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, मैं तुम्हारे नमाज के विरोध में नहीं, तुम हमारे वो धर्म निरपेक्षता है नमाज और हमारे पूजा पाठ सांप्रदायिकता है, तो हमने कभी अपना बदलाव नहीं किया, ना भाषा बदली ना चरित्र बदला। अभी भी आप जा सकते हैं, पूछ सकते हैं, 2 दशकों से हमारा लंगर दोनों नवरात्र में चलता है, हमारी गौशाला चलती है। तो ये धर्म जो है सिर्फ एक दल का एक संप्रदाय का ठेका नहीं है, सरदार चाहे किसी दल में है सरदार है, और वो गुरु ग्रंथ साहब जो है उसको मानेगा और अपनी नीति को मानेगा, अपनी रीति को मानेगा, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सिख धर्म का की उत्पत्ति हुई। तो हमारा उनका वैचारिक मतभेद इस बात पर था, वो हिंदुओं को काफिर समझते हैं और हम मुसलमानों को अपना भाई समझते हैं, बशर्ते वो अब्दुल हमीद और कलाम की नस्ल के हों। तो फिर आप वापस चले गए, आपको राज्यसभा का टिकट मिल गया, फिर एकदम से मतलब कई लोगों ने कहा कि ये तो उसी दिल्ली के जुगाड़ के लिए गए थे, कई आपको तथ्य का पता ही नहीं है, मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन ही नहीं की। अच्छा, बिना ज्वाइन किए आप इस तथ्य का पता लगा लीजिए, अगर समाजवादी पार्टी मैंने ज्वाइन करके मुझे राज्यसभा मिली हो तो फिर मैं आजम खान के पेशाब से अपनी मूछ मुड़वा दूंगा। अरे बाप रे, मैं समाजवादी पार्टी में छोड़ने के बाद गया ही नहीं, और जब मैं बने तो उन्हीं के सहयोग से, क्या तय हुआ था? जब उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने बना दिया। अरे आपसे पूछ के बनाया होगा, बिना पूछे बनाया। मैं मुलायम सिंह को चुनौती देता हूँ, वो कह दें कि मैंने मांगा या मैंने अनुरोध किया, मैं तो अवधेशानंद जी गवाह इस बात के, स्वामी अवधेशानंद जी का और हमारा मित्र भाव है और हर कुंभ में हम साथ होते हैं, तो हम कुंभ में उनके साथ उज्जैन थे और वहाँ पर सूचना अहमद पटेल ने दी कि आप राज्यसभा में आ गए, तो हमने कहा राहुल गांधी ने भेज दिया क्या, क्योंकि अहमद पटेल सूचित कर रहे हैं। तो 2 मिनट बाद मुलायम सिंह का फ़ोन आया कि नहीं, मैंने घोषणा कर दी। अच्छा, क्या बातचीत हुई फ़ोन पे आपकी, उन्होंने घोषणा कर दी तो आप क्या बोले? घोषणा कर दिया, हमारे नेता हैं आपके? नहीं नहीं, हमारे मित्र हैं, बड़े भाई हैं पहले, तो मैं उनके पास गया तो भावनात्मक रूप से हमारा शोषण किया उन्होंने कि पुरानी बातें भूल जाइए। हमने कहा मैं तो आपकी पार्टी में नहीं हूँ। बोले आप तो उनका बयान भी है, आपको मिल भी जाएगा, लोगों ने कहा वो तो आपके दल में नहीं है, उन्हें टिकट कैसे दे दिया? कहा हमारे दल में नहीं, हमारे दिल में है। अच्छा, तो उनकी इस बात पर मैं मान लिया। फिर लेकिन थोड़े दिनों में आप नाराज़ हो गए? हम नाराज थे ही, खुश कब थे राज्यसभा से। राज्यसभा देने के बाद रामगोपाल यादव और अखिलेश ने षड्यंत्र किया, हम पहला नाम था मेरा सूची में वरीयता का, और हमें हराने का पूरा प्रयत्न किया गया। तो हमने कहा कि ये जला जला के इसे बुझाता है, इसे चिरागों से नहीं रोशनी से नफरत है। अमर सिंह बिल्कुल विंटेज बेस्ट, बात बात पे शेर शायरी करने वाले। सर आपके पास अभी 2 मिनट में लौटेंगे, थोड़े से अपडेट दे देते हैं। कई बड़ी खबरें हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं, कई ब्रेकिंग न्यूज हैं जो आपका इंतजार कर रही है। बीजेपी ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। अमेठी से अपडेट ये है कि स्मृति ईरानी कम मार्जिन है लेकिन लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, और मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव आपके पुराने नेता इस वक्त 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, यानी कि लीड जो कभी लाखों में हुआ करती थी वो 15,000 तक सिमट गई है। भोपाल में साबी प्रज्ञा 42,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। पाटलिपुत्र में मीसा भारती अब 6,000 वोटों से आगे हैं। आजम खान रामपुर में जया प्रदा के खिलाफ लगभग 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बहुत लास्ट में जया प्रदा के टिकट का ऐलान हुआ था, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, उसी दिन टिकट का ऐलान हुआ और कहा गया कि पहली दफा कांग्रेस ने वहां ऐसा कैंडिडेट उतारा है जो आजम खान की मदद करे। संजय कपूर को वहां पर टिकट दिया गया, कांग्रेस के पूर्व विधायक। अगर लोगों ने कहा कि अगर नूर महल से, बेगम नूर वालों के परिवार से कोई कैंडिडेट होता तो आजम खान की राह
मुश्किल हो सकती है। आजम खान का वो बयान तो अभी सबको याद है जिसमें वो बड़े गर्वीले अंदाज में कह रहे थे अगर मेरी जीत 3 लाख से कम से होती है तो समझ लीजिए ईवीएम में गड़बड़ है। पटना साहिब रविशंकर प्रसाद 63,000 वोटों से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ आगे चल रहे हैं। गुना से कांग्रेस के नेता और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया 42,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के घर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलना शुरू कर दिया है। गुजरात की आप बात करें तो गुजरात में एक बार फिर से क्लीन स्वीप हो रहा है। सारी 26 की 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी बदलाव वाली खबर है और इसलिए ब्रेकिंग न्यूज है। सुल्तानपुर से मनेका गांधी अभी तक बसपा के सोनू सिंह से पीछे चल रही थी, अब जाके वो 1100 वोटों से आगे हुई है। ये बताइए अमर सिंह साहब, आपने तो इतना जमाना देखा, पॉलिटिक्स देखी, ये क्या गांधी परिवार का करिश्मा, चाहे वो मनेका और वरुण हो, चाहे राहुल प्रियंका और सोनिया हो, इंटैक्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, अब समय की गर्त के साथ धूमिल बढ़ता जा रहा है जी। अब वो हेलो, वो ऑरा, नई जनरेशन के मध्य वो खत्म होता जा रहा है। अपना नई जनरेशन प्रबुद्ध है, सचेतन है, उसे आप बातों से नहीं बहला सकते। वो अपना मूल्यांकन करती है और उसको जो उचित लगता है वो वही करती है। तो ये मनेका और वरुण, इन्होंने भी सीट अपनी अदला बदली की, वो पीलीभीत चली गई, वो इधर आ गए। वरुण गांधी के बारे में क्या टिप्पणी है आपके? वरुण गांधी की एक आध पुस्तकें मैंने पढ़ी है जी। वो रूरल डिस्ट्रेस वाली की कविताओं वाली? नहीं, रूरल वाली जी। जी, तो अति उत्साही है लेकिन उनके अंदर एक भोलापन है जिसे आप नकार नहीं सकते, लेकिन अति उत्साही है और थोड़ी परिपक्वता की कमी है, वरना इसीलिए पार्टी में साइडलाइन हो रखे हैं। पार्टी में साइडलाइन होने का कारण यह है कि ये जो एक परंपरागत ऐंट है जिसे आप स्वाभिमान का भी नाम दे सकते हैं, तो ऐसा सभी व्यक्ति जो बहुत सहज तरीके से झुक नहीं पाता, या वो कहते हैं ना कि भूतकाल व्याकुल करे और भविष्य को बुलाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए। तो हम क्षत्रियों को भी और अभिजात वर्ग के पुराने परिवार के लोगों को भी, वो रस्सी जल गई ऐठन नहीं की जाए। क्षत्रियों पे आप बार बार जोर दे रहे हैं, दो राजनीतिक अफवाहें हैं जिनका सिरा एक आपसे जुड़ता है। पहली, 2009 में जब राजनाथ सिंह गाजियाबाद से चुनाव लड़ने आए तो कहा गया कि राजनाथ सिंह की राह आसान करने के लिए सपा के टिकट पर अमर सिंह ने ऐसे नेता को लाया जिससे राजनाथ सिंह की राह आसान हो। दूसरी, जब योगी आदित्यनाथ की राह मुश्किल होती नजर आ रही थी भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी के सामने गोरखपुर में, तब आपने इसी क्षत्रिय धर्म का हवाला देते हुए वहां से सपा के टिकट पर मनोज तिवारी को लड़वा दिया ताकि ब्राह्मण वोट बढ़ जाए और योगी आदित्यनाथ जीत जाए। क्या ये दोनों थ्योरी सही है? इस बात का मैं खंडन नहीं करूंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। चलिए, बाबू साहब की बात हो रही है, बलिया के बाबू साहब चंद्रशेखर, उनकी धरती पर समाजवादी पार्टी के नेता सनातन पांडे 38,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। भाजपा ने यहाँ सिटिंग एमपी भरत सिंह का टिकट काटा था और उनकी जगह वीरेंद्र सिंह मस्त को टिकट दिया था, वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। पहली बार ऐसा है कि चंद्रशेखर के परिवार का कोई व्यक्ति एक लंबे अरसे के बाद मैदान में नहीं है। अमरोहा से अपडेट है, यहाँ पे बसपा के कुंवर दानिश अली, जो अभी कुछ महीने पहले तक देवेगौड़ा के वार्ताकार हुआ करते थे, वो 32,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और कमर सिंह तंवर दूसरे स्थान पर है। पिछली बार भी भाजपा ने करीबी अंतर से ये चुनाव जीता था। और गुना से एक और अपडेट आ गया है, यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हार की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, उनका मार्जिन बढ़ता जा रहा है। अब वो भारतीय जनता पार्टी के पी यादव से लगभग 51,000 वोटों से पीछे हैं। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना में हार रहे हैं, तो बड़ा उलटफेर नहीं लग रहा आपको? 2014 की लहर में भी जीत गए थे कंफर्टेबली। देखिए, बड़े नेताओं के साथ ये समस्या होती है, उनसे अपेक्षा ज़्यादा होती है और अपने स्थानीय क्षेत्र को देने के लिए समय कम, तो इससे एक निराशा ज़्यादा होती है। कोई भी बड़ा नाम होता है उससे अपेक्षा ज़्यादा होती है, उसके बाद समय कम होता है और उसके जो साधन होते हैं वो यत्र तत्र सर्वत्र वितरित होते हैं जी। वो अब जैसे सूर्यदेव सिंह का परिवार बहुत दिन तक धनबाद में, रांची में, कोयलांचल में हावी रहा,
क्योंकि अखिल भारतीय स्तर का परिवार नहीं था, वो क्षेत्र में सीमित परिवार था। लेकिन जो बड़ा नेता होगा, इसीलिए राजनाथ सिंह जी अपना क्षेत्र बदलते रहते हैं, कभी गाजियाबाद रहते हैं, कभी लखनऊ रहते हैं, तो बड़े नेता के साथ ये दिक्कत है। मेरी समझ से मैं ज्योतिराज जी दत्त जी का बचाव नहीं कर रहा हूँ, जो उनकी एक कमी है वो बता रहा हूँ। और पहले भी ग्वालियर और गुना के अलावा और कोई सीट वहाँ से जितना मुश्किल होता था, वह उनकी दादी की वजह से जो जनसंघ की संस्थापिका रही है वो एक गढ़ रहा है।